गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए इतिहास पढ़ रहे थे अपन। इतिहास के अंदर प्राचीन हिस्ट्री का एक पार्ट था मौर्य साम्राज्य। इस मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य की अपनों ने थोड़ी पृष्ठभूमि यानी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया था। अब अपन क्या करेंगे कि चाणक्य की एक दिली इच्छा थी कि वो मगध के ऊपर नंदवंश को समाप्त करके और मौर्य साम्राज्य को जो वंश था उसको स्थापित करना चाहता था। इसी के कारण उसने क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, बताते हैं एक इतिहासकार है प्लूटार्क। इतिहासकार प्लूटार्क के कारण एक इतिहासकार है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी, डाकुओं की सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी, जिसके कारण इसकी सेना में चोर, लुटेरे, मल्लेच आदि थे। जबकि प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, 6 लाख की सेना थी, 6 लाख की सेना थी, और इसी सेना के बलबूते पर यानी पहला इतिहासकार जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में डाकुओं की सेना थी, जिसके कारण इसकी सेना में चोर लुटेरे मल्लेच यानी मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख की सेना थी और इसी सेना के बलबूते पर उसने पूरे भारत को रौंद डाला यानी कुचल डाला। ये बात कहने वाला इतिहासकार है प्लूटार्क। ये अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास डाकुओं की सेना थी, कहने वाले इतिहासकार का क्या नाम है जस्टिन। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, कहने वाले इतिहासकार का क्या नाम है प्लूटार्क। अब क्या होता है कि इस सेना के बलबूते पर उसने 322 ईसा पूर्व के अंदर उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को पराजित करके और मगध के ऊपर मौर्य साम्राज्य की क्या करता है नींव डालता है, मगध के ऊपर नींव डालता है और 323 ईसा पूर्व में वह शासन स्थापित कर देता है। 323 ईसा पूर्व में वह अपना शासन स्थापित कर लेता है। अब बताते हैं कि जिसके आगे इसने पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, तत्पश्चात होता क्या है कि सिकंदर महान का एक सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। सिकंदर महान का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस और उसके पास निकेटर की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? निकेटर की उपाधि थी। और इसी निकेटर की उपाधि के होने के कारण उसे दुनिया के इतिहास में सेल्यूकस निकेटर के नाम से जाना गया। अब बताते हैं कि 305 ईसा पूर्व में, देखिए नंबर एक, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, कौन? सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। एक क्या होता है युद्ध, देखिए सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। कहाँ का शासक था? यूनान का। और सिकंदर महान भी कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। सिकंदर महान का ये सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। यानी सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर महान का सेनापति था और सिकंदर महान जो है वो भारत में आकर ही एक प्रकार से विजित नहीं कर पाता है। यानी भारत का जो क्षेत्र है कश्मीर वाला, झेलम नदी जो कश्मीर में बहती है, वहाँ आगे जाने से सिकंदर महान की सेना मना कर देती है कि हम इन दुर्गम परिस्थितियों में भारतीय सेनाओं के साथ नहीं लड़ सकते। और इसी के कारण बताते हैं कि सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि मैं मेरे गुरु का सपना पूरा करूं और मैं भारत है उसको जीतूं। जीतने के कारण एक यूनान का शासक यानी यूनान एक पूरी डायनेस्टी थी, एक पूरा
सल्तनत पूरा का पूरा साम्राज्य था, और वहां का शासक यानी सिकंदर महान का सेनापति कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, सिकंदर महान का ही सेनापति था। और सिकंदर महान का सेनापति होने के कारण सेल्यूकस निकेटर जो था उसके पास भी अपार शक्ति थी, उसके पास भी एक विशाल सेना थी, और उसी विशाल सेना का उसने सदुपयोग करते हुए भारत की ओर अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए आंखों में जीत का स्वप्न लिए हुए भारत की ओर अग्रसर होता है और सोचता है कि मैं भारत को जीतकर मेरे गुरु की आत्मा को शांति प्रदान करूंगा। लेकिन बताते हैं कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध का इतिहासकार अलग अलग वर्णन करते हैं, बताते हैं कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जीतता है और सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, जबकि अन्य जो इतिहासकार है जो भारतीय इतिहासकार वो बतलाते हैं कि इनके मध्य एक सम्मानजनक संधि हुई थी। क्या हुई थी? सम्मानजनक संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट की शर्तें क्या थी? जो ज़्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में रही थी, यानी वो संधि जो थी वो ऐसा माना गया कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके फेवर में आई। तब हम ऐसा मान सकते हैं कि इस युद्ध में भी किसकी विजय होती है? किसकी विजय होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। संधि क्या क्या हुई? सबसे पहले नंबर एक देखिए, दोनों के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है, और युद्ध होने के कारण सम्मानजनक संधि, इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को यानी सेल्यूकस निकेटर ने इससे पहले कुछ भारतीय क्षेत्रों को विजित कर रखा था, वो वापस चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इसमें एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया एंड पैरापनिस डाई, ये चार क्षेत्र, हेरात, काबुल, कंधार एंड बलूचिस्तान, ये चार क्षेत्र जो उनके नाम प्राचीन नाम थे, अब उनके नए नाम आ गए हैं, एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया एंड पैरापनिसडाई। एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पैरापनिसडाई, यानी इनमें सब में एक जैसी ध्वनि आ रही है, रिया सिया सिया पैरापनिसडाई, आप याद कर लेना। दूसरा देखिए, दूसरा बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का शासक था, सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। वो एक छोटे से राजा से, छोटा राजा मतलब उस समय भारत में कितने महाजन पद हुआ करते थे? 16। तो 16 महाजन पदों का राजा नहीं, यानी पूरे भारत का राजा नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य, किसका राजा? मगध का राजा है। तो अपने आप में अचंभित होता है कि छोटा सा राजा जो कि मगध का, और वो यूनान के शासक को पराजित करता है, तो उसकी शक्ति से, उसके प्रशासन तरीके से, उसके सैन्य नेतृत्व से वो क्या होता है? प्रभावित होता है। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक व्यक्ति मैक्सतनीज को इसके दरबार में भेजता है, जो इसका दरबारी था। वो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने ग्रंथ लिखा था इंडिका, जो बताते हैं कि वर्तमान में मौजूद नहीं है, यानी इंडिका जो ग्रंथ है वो वर्तमान में मौजूद हमारे पास नहीं है, जो कि स्ट्रेबो, पिलनी, एरियन इनके जो ग्रंथ है उनमें इनके भाग मिलते हैं। तीसरा बताते हैं कि इसकी शक्ति से प्रभावित होकर सेल्यूकस निकेटर अपनी एकमात्र पुत्री हेलना, जिसे लूसेंट की किताबों में या अन्य किताबों में इसका नाम कार्नेलिया भी बताया जाता है, लेकिन ऑथेंटिक नाम जो वो हेलना ही मिलता है, यानी अपनी पुत्री हेलना का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, जो कि बताया जाता है कि यह मतलब भारत का यह प्रथम विवाह था जो अंतर्राष्ट्रीय था, यानी इंटरनेशनल मैरिज की अगर अपन बात करें तो यह प्रथम मानी जाती है। आगे की अगर अपन बात करें तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जलीय मार्ग से 500 हाथी सेल्यूकस के पास भेजे थे, यानी उस समय हाथियों का बड़ा वर्चस्व होता था और हाथी बहुत मात्रा में मिलते थे, ठीक है। यानी कुछ शर्तें थी, पहली शर्त एरिया राकोश जेड्रोसिया परापनिस्टा, चार क्षेत्र दे दिए, उसके बाद मैक्सनिस इंडिका यानी मैक्सनिस के दरबार में आएगा, अपनी पुत्री का विवाह कर देगा और 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को देगा। यहाँ तक तो बात हुई। अब बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पहले
ब्राह्मण मतावलंबी था, लेकिन बाद में इसने जैन धर्म स्थापित कर लिया था। कौन सा धर्म है? यानी जैन धर्म स्थापित कर लिया था, जैन धर्म स्थापित कर लिया था। जैन धर्म बताते हैं कि यहाँ आने पर, यानी पहले जैन धर्म की एक ही शाखा थी, और यहाँ आने पर जैन धर्म की दो शाखाएं विभाजित हो जाती है। कितनी शाखाएं? दो। पहली शाखा आती है श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, यानी जैन धर्म के वो लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर। और श्वेतांबर का जो संस्थापक बना वो बना शतलबाहु। कौन बना? शतलबाहु। और इसका जो क्षेत्र था वो था उज्जैन व मथुरा, उज्जैन व मथुरा। जबकि दूसरी जो शाखा थी वो थी दिगंबर। कौन सी? दिगंबर, दिगंबर बहुबरी समाज, यानी दिशा ही जिनके क्या है? वस्त्र। यानी ये लोग क्या होते हैं? जैन धर्म की एक दूसरी शाखा है जिसके अंतर्गत जैन दिगंबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो वस्त्र विहीन रहते हैं। ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, ये लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं। दिशाओं को अपना वस्त्र मानने के कारण इन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। और इन इसका जो संस्थापक था वो भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र था वो था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां हैं वो है कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला और कहां पर? कर्नाटक। श्रवण बेलगोला और कहां? कर्नाटक। ठीक है। यानी ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, और वो शाखाएं थी श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर सह से श्वेतांबर, सह से स्थलबाहु, और इसके क्षेत्र कौन से? उज्जैन व मथुरा। दूसरा दिगंबर, दिगंबर का संस्थापक भद्रबाहु कहलाया, और भद्रबाहु जो इसकी शाखा थी उसका मुख्य क्षेत्र था श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। अब आगे चलते हैं अपन। तो ऐसा बताया जाता है कि देखिए, मैं भारत का ये नीचे वाला हिस्सा बतलाता हूँ आपको। इधर देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र और इसके पास में गुजरात। पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात वाला जो क्षेत्र था, यानी महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो क्षेत्र था उसे सौराष्ट्र बोलते थे। क्या बोलते थे? सौराष्ट्र बोलते थे। बाद में जब इनका एकीकरण होगा तब ये अलग अलग स्टेट बन जाएंगे। वर्तमान में महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों अलग अलग स्टेट हैं, और इन दोनों स्टेटों को प्राचीन समय में, यानी इस समय बोला जाता था सौराष्ट्र। तो बताते हैं कि एक बार यहाँ पर पानी की कमी आ गई थी, जल की कमी आ गई थी, तो सौराष्ट्र का उस समय सेनापति और गवर्नर हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र के अंदर, बताते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण किसके समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। और किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। और तत्पश्चात कहाँ पर करवाया? तो सौराष्ट्र के अंदर करवाया गया था। अब कई बार इसके पुनर्निर्माण की भी बात आती है, तो स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण, फिर इसके ऊपर बांध का निर्माण रुद्रदमन ने करवाया था। उर्जेंत पर्वत से ये निकलती है। सुदर्शन झील, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। आगे क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि इसके समय इसका जो प्रधानमंत्री था वो था चाणक्य। कौन था? चाणक्य। पीएम कौन था? चाणक्य था। जैन धर्म का, जैन धर्म को अपना लेने के कारण बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जनता से बहुत प्रेम करता था। और एक बार बताते हैं कि बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। यानी अर्थशास्त्र तो ऐसा कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध के अंदर एक भयंकर अकाल पड़ा था। 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा था। जबकि मैक्सनीज की जो इंडिका है वो ऐसा नहीं बतलाती है। मैक्सनीज की इंडिका कहती है कि मगध जो था वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, और दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो दुआब होता है, वहाँ पर अकाल पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को थोड़ा महत्व देंगे, और महत्व देने के कारण क्या होता है? ऐसा बताया जाता है कि एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य दुखी हो गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य दुखी होने के कारण जनता की रक्षा के लिए ये जैन धर्म की शाखा दिगंबर को अपनाता है, और भद्रबाहु को साथ लेकर श्रवण बेलगोला
चला जाता है। और श्रवण बेलगोला चले जाने पर बताते हैं कि इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। किस मृत्यु की अगर पूछे तो संलेखना पद्धति से ये क्या करता है, प्राण त्याग देता है। संलेखना बोल दो, संथारा बोल दो, ये पद्धति क्या होती है, ये जैन धर्म में होते और वर्तमान में भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा रखी है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आदमी एक स्थान पर बैठकर तप करता है, भगवान में लीन हो जाता है और भूखे प्यासे रहकर अपना जीवन है वो त्याग देता है। वर्तमान में जैसे ये जैन धर्म के जो मुनि होते हैं दिगंबर संप्रदाय के, ये क्या करते हैं एकांत स्थान पर चले जाते हैं और एकांत स्थान पर जाकर ये भगवान महावीर स्वामी की तपस्या में लीन हो जाते हैं और लीन होने के पश्चात धीरे 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 इनके शरीर में कमियां आती जाती है और एक दिन ये मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में भारत सरकार ने संलेखना संथारा पद्धति पर ये जो होती थी प्राचीन समय में इन पे क्यों इनके ऊपर क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। तो बताते हैं कि 323 ईस्वी में ये सत्ता स्थापित करता है और 298 में भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला के अंदर कर्नाटक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति से अपने क्या करता है, प्राण त्याग देता है। क्या कर देता है, प्राण त्याग देता है। उसके पश्चात इसका पुत्र बिंदुसार क्या बनता है, भारत का सम्राट बनता है। बिंदुसार के बाद अशोक शासक बनेगा। अशोक के बाद इसके थोड़े छोटे जो राजा वो आएंगे, लेकिन वर्चस्व नहीं है इतना। हमें इन तीन राजाओं के बारे में पढ़ना है। अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी SSC GD से लेकर फोर्थ ग्रेड से लेकर बड़े से बड़े IAS IPS क्वेश्चन तक में यहाँ के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आते भी हैं। आप कभी एग्जाम रिव्यू पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक महत्व रखता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर इसकी बड़ी महत्ता रहती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है तो आपके जो नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना रहती है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे एक बार दो बार तो ये चीज़ें भूलने के कगार पे नहीं रहती है, आप इसे भूल नहीं पाओगे, वो चीज़ें आपके कर्मबद्ध जुड़ जाती है और कर्मबद्ध जुड़ने के कारण वो दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ व्याख्यान अपना दे सकते हो। पहली बार में कोई चीज़ याद नहीं रहती, पहली बार में आप किसी का मोबाइल नंबर लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपको पहली बार अपने खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं होता है, लेकिन वही मोबाइल नंबर हमारे दैनिक दिनचर्या में आता है, 5-7 बार हम उसको डायल करते हैं, वो चीज़ याद हो जाती है। उसी प्रकार हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बार बार इसको आप पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। वीडियो देखिए, बिंदुसार अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।